हाय दीपशिखा, कैसी हो? हाय लक्ष्मी, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। तो सूट मेरा चालू है। ओह सॉरी यार, ये मोबाइल पीछा नहीं छोड़ता। यस हाँ, तो ठीक है कि मैं क्या बोलूँ, अभी तो फ्रेम ही ऐसा बन गया। हाँ तो मेरा एक शो है चैलेंज विद रिकी शर्मा। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसमें आपको आना है तो आपको मेरे को कन्वेंस करना है कि मैं आपको क्यों लूँ इसके अंदर में, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ भी चलेगी और जिसमें क्या बोलते हैं कि एंटरटेनिंग भी होनी चाहिए, बहुत चीज़ें होनी चाहिए कि जो दुनिया को पसंद आए। ये भी कोई कैडी की बात है, मतलब दीपशिखा लुंगानी को कौन नहीं लेना चाहेगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? तो मेरे को आप फोर्स करो और कन्विंस करो कि यार मैं आपको लूं। अरे फोर्स क्या कर रहे हैं, दौड़े दौड़े आएंगे मुझे लेने। सी देखो, जोक से पार्ट, बाकी सारी चीजें अलग। आपको मेरे को इस शो में चैलेंज विद रिकी शर्मा जी, उसमें आपको मुझे इसीलिए लेना बनता है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक बंदी में होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट्स कम टू चैलेंजिंग सिचुएशंस, चैलेंजिंग राउंड, डिबेट फॉर्म हो गई, कुछ भी हो गया, धज्जियां उड़ानी हो किसी की, कुछ भी करना हो, तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट और कोई नहीं हो सकता बिकॉज मैं हॉट हूँ देखने में, ब्यूटिफुल हूँ, चलो वो तो एक अलग चीज़ है ही है, मेरा प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, अच्छे रियलिटी शोज में मैंने काम किया है, एंड यू नो जिस तरीके की मेरी पर्सनालिटी है, मैं बहुत ज़्यादा यू नो ब्लंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा अप फ्रंट हूँ कि जो मेरे मन में होता है मैं सीधा बोलती हूँ, जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती मुझे पता है कि जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, जो चीज़ सही है वो सही है, एंड मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर यू नो कुछ करने की चाह है और जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, सो ऑफकोर्स मेरे को तो लेना बनता ही है। ओके, तो एक्चुअली कि ये चीजें तो बहुत सी लड़कियों भी होंगी ना जो आपने बोली है, नहीं, तो लड़की बोलेगी नहीं होती लड़कियों में, मुझे पता है ना लड़कियों में नहीं होती, जो चीज मुझ में है वो बाकी लड़कियों में बिल्कुल है ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम हाँ, आप ये लोग आप ये चीज बोलोगे कि लड़कियां तो ऑफकोर्स सारी खूबसूरत है, सारी हॉट है, थैंक्स टू द मेकअप आर्टिस्ट, सारी लड़कियां, कोई भी नॉर्मल लड़की को भी आजकल लोग सुंदर बना लेते हैं, लेकिन वो वाली चीज नहीं होती, जीतने के लिए बहुत सारा एक्सपेक्टर भी चाहिए होता है, समझ गए आप? सिर्फ सुंदरता ऐसा एक्सपेक्टर है कि जो सिर्फ सुंदरता से और हॉट बॉडी से काम नहीं चलता है भाई। सुंदरता तो है आपकी, हॉट बॉडी भी है, आप कमाल की, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ये ही चीजें जरूरी नहीं होती। आज अगर आप आज की डेट में देखोगे ना, सुंदर बथेरी लड़कियां हैं लेकिन फिर भी वो बेचारी इधर उधर बैठी हुई हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि पैशनेट नहीं है, बोल्ड नहीं है, ब्रेव नहीं है, उनके अंदर कुछ करने की, जीतने की उनके अंदर कोई चाह नहीं है। आप में बहुत चीजें हैं, सारे की सारी जो मेरे अंदर सारी चीजें हैं, मेरे अंदर जीतने की भी चाह है, मैं अगर सपोज कहीं पे मुझे कोई चैलेंजिंग राउंड मिलता है जहां पर मुझे जीतना हो या कुछ भी डिबेट हो तो मैं जी जान लगा देती हूँ कि मेरे को जीतना ही जीतना है। अच्छा, मुझे हारना नहीं एक, है एक चैलेंज ऐसा दे दिया, ठीक है कि आप हॉट हो, ठीक है आप अपने आप मानते हो, हम भी मानते हैं कि हमारी यहाँ हॉट तो हुई मैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हॉट से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें। आपको ऐसा चैलेंज मिल जाए कि आपको बिकनी पहन के आप सोच रही हो स्विमिंग पूल में, बोल रहा है ठीक है वो तो नॉर्मल है, स्विमिंग पूल में तो जाती रहती है आप, ठीक है मैं देखता रहता हूँ, दुनिया भी आपको देखती रहती है, अगर आपको बिकनी में अगर रोड पे चलना पड़ जाए तो ये देखो इनकी शैतानी खत्म नहीं हुई, मतलब ये अब सीधा इस पर आ गए कि अगर सपोज तुमको रोड में, भाई देखो अगर ऐसी कोई चीज होगी तो सोचा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं पूरा परफेक्ट बताओ, यस या नो बोलो कॉन्फिडेंस के साथ कि यार हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं कर सकती हूँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल। अच्छा अरे वाह यार, तो कमाल है। और फिर उसके बाद में अगर मैं किसी मेल फीमेल और जो अलग कैटेगरी के बंदे होते हैं उनके साथ टास्क कराऊं आपके, ठीक है अलग कैटेगरी के बंदे मतलब? अलग नहीं, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आजकल ट्रेंड जो चल रहा है लाइक लड़के हैं ना, लड़कियां टाइप की हो रहे हैं कुछ, ठीक है तो मुझे उनके साथ अगर मैं आपको टास्क कराता हूं कुछ भी, ठीक है आपको चैलेंज दे दिए कि यार ये एक लड़की है एक लड़का है और किन्नर टाइप के हैं जो भी हैं इस तरह के बंदे हों वहाँ पे, आपको एक ही बेड पे सुला दिया वहाँ पे कि यार आपको 24 घंटे इन्हीं के साथ काटने, तो क्या आप काट पाएंगे वहाँ पे? भाई उनका तो सबसे पहले मैं आशीर्वाद लूंगी क्योंकि उनका तो आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेफिनेटली ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर सकूं और मैं इसको पूरा भी कर सकूं फॉर श्योर। दैट्स ग्रेट यार, सच में आप मतलब कि यार जो उम्मीद नहीं की थी वो आप बोल रहे हैं वैसे। और एक जैसे ऐसे एक्टिविटी नहीं आती कि फॉर एग्जांपल देखो सुंदर आप हैं ये आपको सबको पता है कि आप हॉट हैं भाई, मज़ेदार है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई करेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बोल दिए टास्क ये किया 100 रुपये इकट्ठे करके लेके आ, सीधा सीधा बोलो तो भीख मांगनी है तो क्या चलेगा? 100 क्या लोग 200 रुपये भी देंगे? बिल्कुल डेफिनेटली क्यों नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सीधी सी बात है, जो काम करना है वो करना है, अगर मांगने हैं पैसे तो मांगने हैं, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ओके ओके हाँ, और मेरे को कौन मना करेगा अगर मैं मांगू? अरे
बंदे चाहेंगे कोई किसी के पास आए, ठीक है, बंदे को 100 रुपए में बात करने मिल जाएगी और क्या, इससे फालतू तो ठीक है, जिस लड़की को रोड पे देखेंगे कि हाँ कि यार हाँ 100 रुपए मांग रही है, देंगे, हाँ दे तो रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे सोचेंगे एक मिनट तक बात कर ले, क्योंकि ऐसा होता दरअसल, ठीक है, क्योंकि अब वाकई होते हैं तो हर बंदे का रहता है ऐसा। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं जैसे आपने बातें की आप परफेक्ट मेरे को लग रही है के हिसाब से, बाकी जब हम काम करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या हो सकता आगे क्या नहीं। और कुछ थे मेरे दिमाग में सवाल जवाब, हाँ तो आप तो पुल में तो ऐसे चलती रहती, कोई बात नहीं, वो बिकनी वैकनी में तो नॉर्मल आपके लिए है ना, आपके लिए नॉर्मल है, मुझे लग, दीप सिंह का जहाँ पे नाम आता है मतलब कि यार देखो अब स्विमिंग पूल में मैं बुर्का पहन के थोड़ी जाऊंगी गाइस। तो अभी क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आपके लिए नॉर्मल है ना पूल वाला सीन। यार पूल वाला सीन नॉर्मल है, मतलब ये इनको ना, ये ना पूल पे अटक गए हैं, इनको इतना ज्यादा फैसिनेशन हो गया है ना मेरी पूल वाली वीडियोस को लेकर कि ये ना इनकी ना जो सुई है ना वो पूल पे अटक गई है, मतलब ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो मैं ही क्या बोलता हूँ कि मुझे ही ऑडिशन टाइप है, मुझे कुछ करनी पड़नी बातें और मैं ही ऐसे कंफ्यूज रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ एक्चुअली करियर। क्या होता है कि दरअसल ट्रेंड ये है कि आज जैसे अपन वीडियो बना रहे हैं, 2 साल बाद मैं हिट हो जाता हूँ, आप हिट हो जाती है, ठीक है, तो दरअसल ये होता है कि यार वो इतना गंदा था, उसने ऐसे किया, इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं सामने, ठीक है, उनको मद्देनजर रखते हुए, मतलब ऐसा तो नहीं कि कल कुछ अपना चल जाता है देन उसके बाद में बोले कि तुम अभी से इतना स्ट्रेस मत लो रिकी, चिल मारो और एंजॉय द मोमेंट करो, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो जो चैलेंज विद रिकी शर्मा है वो डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करूंगी। ओके ओके, नहीं ऐसे मैं, लेकिन ये चीजें सारी है ना जो कि ऑन कैमरा लाइव रिकॉर्डेड चीजें होती है ना, कि यार वो मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐसी चीजें सामने हो, क्योंकि मैंने कई भी कभी काफी बार ना नोट की ये चीजें, तो ऐसा होता है। तो फाइनली ये कि थैंक यू सो मच और आई होप कि आप अच्छे से कर पाएं, डेफिनेटली आगे चल पाएं, डेफिनेटली। तो करते हैं आपसे बात, तो अभी देखते हैं इनकी टक्कर की कौन सी लड़की मेरे को मिलेगी जो आगे हम वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ढूंढते रहो। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ सच्ची, मैं ऑनेस्टली स्पीक, मैं बहुत लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, जो दीपशिखा से मुझे लगे कि यार ये ऊपर है तो वो शायद आ सकती है और दीपशिखा को टक्कर दे सकती है। हाँ दीपशिखा को टक्कर दे सकती है, देन उसके बाद फाइनली ये कि होस्ट तो मुझे लग रहा है दीपशिखा ही बनेगी जहाँ तक मेरा मानना है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू सो मच दीपशिखा, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे वाह क्या बात है तेरी यार लड़की, वाकई अरे।